हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। यह सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस का न्यू वीडियो सीरीज रेट एनालिसिस है। आज हम रेट एनालिसिस ऑफ लेटराइट स्टोन मेसनरी के बारे में स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड, नाउ देखते हैं। क्वेश्चन इज टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर लेटराइट स्टोन मेसनरी सुपर स्ट्रक्चर। हमें 1 क्यूबिक मीटर लेटराइट स्टोन मेसनरी का कॉस्ट फाइंड करना है। इसके लिए हमें गिवन दिया हुआ है ग्रेड ऑफ मोर्टर, हमें गिवन दिया हुआ है mm5, जिसका मिक्स प्रोपोर्शन 1:5, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 5 पार्ट ऑफ सैंड गिवन दिया हुआ है। इसके अलावा हमें बेसिक रेट ऑफ मटेरियल गिवन दिया हुआ है, सीमेंट, सैंड एंड लेटराइट स्टोन। सीमेंट का कॉस्ट 350 रुपीज पर बैग्स, सैंड हमें 1700 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, लेटराइट स्टोन हमें 23 रुपीज पर नंबर दिया हुआ है। सो फ्रेंड, हम इसके हेल्प से रेट एनालिसिस करेंगे लेटराइट स्टोन मेसनरी का। सो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रेट एनालिसिस वीडियो में हमने देखा था, कुछ बेसिक स्टेप देखा था। सो उसके उस स्टेप्स के हेल्प से हम इसका रेट एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज प्रीवियस वीडियो जाके चेक करके देख ले, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट एनालिसिस फाइंड करने के लिए हमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट हमें फाइंड करना है। ये हमें रेट एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप है। तो फ्रेंड, अब मैं इसे रफ करता हूं और एक एक करके फाइंड करना चालू करता हूं। नंबर 1, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमें फाइंड करना है एंड बेसिक रेट के हिसाब से फिर बाद में उसका कॉस्ट फाइंड करना है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यहाँ पे हमें मटेरियल क्या है, हमें लेटराइट स्टोन, नंबर ऑफ लेटराइट स्टोन फाइंड करना है और देन हमें वॉल्यूम ऑफ मोर्टर फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ मोर्टर फाइंड करेंगे, सीमेंट से हमें मालूम चल जाएगा। सो नंबर ऑफ लेटराइट स्टोन हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ लेटराइट स्टोन हमें फाइंड करना है। सो फ्रेंड, इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं साइज ऑफ स्टोन, साइज ऑफ लेटराइट स्टोन, एक सिंगल स्टोन का साइज देखते हैं। जो हमें सुपर स्ट्रक्चर मेंशन है, तो मैं यहाँ पे 23 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो उसका लेता हूँ, एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर लेता हूँ, एंड थिकनेस मैं यहाँ पे 16 सेंटीमीटर लेता हूँ। फ्रेंड, ये आप चेंज कर सकते हैं, 23 की जगह आप 25 भी कर सकते हैं, 30 की जगह आप 35 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, लेंथ जो है 16 की जगह आप 15 भी कर सकते हैं। ये आप आपके एरिया में कैसे स्टोन आपके मिलते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम आपका क्या, अगर 25 का है, अगर 25 का आपको स्टोन मिलता है विथ का, तो आप वो भी ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पे 23 सेंटीमीटर के हिसाब से चलता हूँ, विथ के हिसाब से। तो साइज ऑफ लेटराइट स्टोन हमें मालूम चल गया है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिंगल लेटराइट स्टोन ये हम फाइंड करेंगे। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट जब हम फाइनल हमको नंबर ऑफ लेटराइट स्टोन मालूम चलेगा, तब तक आपको ये हम ये क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। सो पेशेंस के साथ देखते रहिए। तो फ्रेंड, वॉल्यूम ऑफ सिंगल लेटराइट स्टोन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, LBH LBT। सो हमारा यहाँ पे LBH विथ हमारा यहाँ पे 23 सेंटीमीटर है। फ्रेंड, हमें जो फाइंड करना है रेट एनालिसिस ऑफ लेटराइट स्टोन में, वो हमें क्यूबिक मीटर में फाइंड करना है। सो हमें यहाँ पे जो डायमेंशन है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सो क्यूबिक मीटर में फाइंड करने के जितने भी डायमेंशन है उसको मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे। सो फ्रेंड देखते हैं, 23 सेंटीमीटर 0.23 मीटर, 30 सेंटीमीटर 0.30 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर 0.16 मीटर। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 0.23, 0.30 एंड 0.16, ये हमें 0.011 क्यूबिक मीटर आया है, 0.011 क्यूबिक मीटर आया है। नाउ हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टोन लेटराइट स्टोन विथ मोर्टर, वॉल्यूम निकालने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं।
सपोज ये हमारा वॉल है, मैं ड्रॉ करता हूं, सपोज फ्रेंड ये हमारा लेटराइट मेसनरी वॉल है, ओके okay? अभी हमें यहाँ पे क्या बताया निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लेटराइट स्टोन विथ मॉर्टर, सिंगल लेटराइट स्टोन विथ मॉर्टर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिंगल। सो मॉर्टर के लिए हम जनरली ब्रिक में जो है 1 सेंटीमीटर मॉर्टर लेते हैं, बट हम लेटराइट के केस में मिनिमम 2 सेंटीमीटर मॉर्टर लेते हैं। सो हमें मोटर निकालने के लिए फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी मोटर हमें किस किस लेंथ के अलोंग, विथ के अलोंग और थिकनेस के किसके अलोंग आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन हमारा इधर से स्टार्ट होता है, और जब हम एक स्टोन, ये हमारा एल हो गया, जब वन स्टोन दूसरे स्टोन के साथ ज्वाइंट होता है तो बीच में हमें मोटर से उनको ज्वाइन करना पड़ता है। वन स्टोन अगर लेंथ के अलोंग अगर 30 सेंटीमीटर है, अगर उसका लेंथ है, अगर वो दूसरे के साथ ज्वाइंट होगा तो बीच में लेंथ के अलोंग एक ज्वाइंट होगा, ये हमारा 30 सेंटीमीटर लेंथ है, यहाँ पे एक ज्वाइंट आएगा, वो हमें मोटर का हमने थिकनेस के 2 सेंटीमीटर लिया है तो हमें ये 30 के जगह 32 हो जाएगा बराबर, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे थिकनेस के अलोंग आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सी ये हमारा स्टोन है, ओके okay. स्टोन का हमारा थिकनेस कितना है 16 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है। अभी हम इसके ऊपर वन स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन रखेंगे तो बीच में हमें ज्वाइन करने के लिए मोटर देना पड़ेगा, हमने मोटर का थिकनेस कितना है 2 सेंटीमीटर लिया, तो 16 और ये 2 हो गए आपको 18 हो जाएगा। सो अब हमारे पास लेंथ के अलावा हमें मोटर जो है उसके हिसाब से हमको टोटल लेंथ मिल गया 30 से 32 हो गया, एंड थिकनेस के अलावा 16 टू 18 सेंटीमीटर हो गया। नाउ फ्रेंड हमें विड्थ के अलावा ये करना है, तो फिर विथ के अलोंग कोई भी मोटर नहीं होता है, विथ के अलोंग जो हम ले रहे हैं विथ के अलोंग कोई भी मोटर नहीं होता है, विथ के हमारा जो कभी लेटराइट जो होता है या तो आगे से होता है या फिर ऊपर से होता है, आगे से होना ये होता है हमारा दैट वो हमारा लेंथ के अलोंग होता है, ऊपर से जो होता है वो हमारा थिकनेस के अलोंग होता है। सो विथ के अलोंग हमारा कुछ नहीं, तो विथ एनिट हम 23 सेंटीमीटर लेंगे, एंड लेंथ जो है हमारा 30 से 32 हो गया, एंड थिकनेस जो है हमारा वो हमारा 18 सेंटीमीटर हो गया। आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर जिन्हें क्लियर नहीं है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दें, उन्हें मैं फिर से एक बार समझा दूंगा। सो फ्रेंड अब हम इसके हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सिंगल लेटराइट स्टोन विद मोटर फाइंड करते हैं, तो ये हमारा हो गया 0.23 एज इट विद एंड विथ मोटर 0.32 हो गया लेंथ के लॉन्ग, और ये 0.18 हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये 0.013 क्यूबिक मीटर आएगा, आप चेक कर लीजिए। सो हमें अब हमें क्या हो गया, हमें 0.013 वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्टोन विथ मोटर आ गया, हमारे पास विदाउट मोटर विथ मोटर दोनों आ चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ लेटराइट स्टोन फाइंड करना, इसे फिर मैं रब करता हूं। सो हमारा नंबर ऑफ स्टोन हमें क्वेश्चन में 1 क्यूबिक मीटर लेटराइट स्टोन मेसनरी गिवन दिया हुआ है। 1 क्यूबिक लेटराइट स्टोन मेसनरी का मीन्स क्या है, उसमें लेटराइट भी होंगे विद मोटर, लेटराइट जो होंगे मोटर के साथ है। सो हमें 1 क्यूबिक मीटर हमें दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है लेटराइट विद मोटर, अब प्लस जो है हम क्या करेंगे एक सिंगल लेटराइट स्टोन को मोटर का जो वॉल्यूम होगा उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्टोन विद मोटर। तो फिर ये हम देखते हैं, ये हमें 1 क्यूबिक मीटर दिया हुआ और ये हमें कितना 0.013 आया था, तो 0.013। तो अब हम देखते हैं ये हमें कितने नंबर ऑफ स्टोन आता है,
टू 1 डिवाइड बाय 0.013 ये हमें 76.9 दैट मींस 77 स्टोन आया हमें. सो 1 क्यूबिक मीटर लेटराइट स्टोन मेसनरी में नंबर ऑफ स्टोन कितना 77 आया है. तो अब यहां 77 स्टोन का अब क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 77 स्टोन्स इन 1 क्यूबिक मीटर मेसनरी. सेवेंटी सेवन स्टोन जो है ना उनका कितना वॉल्यूम है जो कि 1 क्यूबिक मीटर मेसनरी लेटराइट मेसनरी में ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो इसके जो सिंपल है फ्रेंड 77 नंबर हमारे पास है और वॉल्यूम ऑफ हमें सिंगल स्टोन मालूम ही है विदाउट मोटर. तो हम क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमें आ जाएगा. तो 77 इंटू 0.011 ये हमें 77 इंटू 0.011 ये हमें 0.847 क्यूबिक मीटर आ गया. सो दोस्तों हमारे पास अभी 77 स्टोन का वॉल्यूम आ चुका है. सो हम क्या करेंगे इससे इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ मोटर निकालेंगे. लेटराइट स्टोन में मेसनरी में दो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ स्टोन एंड वॉल्यूम ऑफ मोटर. तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्टोन मालूम हो चुका है और 1 क्यूबिक मीटर लेटराइट स्टोन में से तो हम इसमें माइनस कर देंगे. सो 1 माइनस हमारा ये 1 माइनस और ये हमारा वॉल्यूम ऑफ 77 स्टोन 1 क्यूबिक मीटर पे जो आया है. सो 1 माइनस 0.847 सो ये हमें फ्रेंड 0.153 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है. ये हमें कितना दिया हुआ है 0.153 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है. सो फ्रेंड नाउ हम क्या करेंगे कॉस्ट निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना है 0.153 ओके. सो कॉस्ट निकाल कॉस्ट हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल. क्वांटिटी हमें आ गया तो हम कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं. कॉस्ट के लिए हमें नंबर ऑफ स्टोन कितने 77 इंटू हमें रेट इसका कितना है 23 सेंटीमीटर रेट है. तो इसका कॉस्ट कितना होगा 77 इंटू 23 ये हमें 177 आ गया. 177 हमारा कॉस्ट आ गया ये कॉस्ट ऑफ लेटराइट स्टोन ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ स्टोन. नाउ हमें क्या कॉस्ट ऑफ मोटर सो फ्रेंड मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मोटर जो है ना हमने प्रीवियस वीडियो में 1 क्यूबिक मीटर मोटर का कॉस्ट निकाला था रेशियो सेम था 1:5 था. सो आप प्लीज वो वीडियो देखिए मैं उसे रेफर करके कॉस्ट निकालता उसका कॉस्ट जो है ये हमें क्वांटिटी कितना आया 0.153 ये हमारा वॉल्यूम आया वॉल्यूम ऑफ मोटर और उसका कॉस्ट क्या था वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मोटर का 4145 ये हमें कॉस्ट आया था. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.153 और प्लस सॉरी 0.153 इंटू 4145 तो ये हमें आया जो ये हमें कॉस्ट जो आया है टोटल कितना हो गया 634. नाउ फ्रेंड हम क्या करेंगे इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो ये हमारा टोटल आ गया टोटल कितना हुआ 177 प्लस 634 ये हमें 2405 आ गया. तो हमें ये मटेरियल का कॉस्ट निकल चुका है
इसके अलावा सेकेंड जो हमें ये निकालना है वेस्टेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमें निकल चुका है, वेस्टेज हमें 5% ये करना है, तो इसका हम 5% पकड़ेंगे, 2405 × 5%, तो ये हमें अराउंड 120 रुपीज आता है, 120। नाउ तो हम इसको ऐड कर देंगे टोटल टू मटेरियल का हमें कितना है, मटेरियल कॉस्ट टोटल टू में क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज, तो ये हमें आ गया कितना 2405 प्लस हमें 120 आ गया, तो ये हमारा कॉस्ट हो गया 2405 प्लस 120, ये हमें आ गया 2525 कॉस्ट आ गया हमें, ये हमारा मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज आ गया। इसके थर्ड स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, लेबर चार्ज भी इसके साथ ऐड करना है, लेबर चार्ज 1 क्यूबिक मीटर एयरटाइट स्टोन मेसनरी के लिए हमें लेबर चार्ज कितना ये लगता है, तो लेबर चार्ज एज पर गोल मार्केट जो यहाँ पे लेबर चार्ज है 1 क्यूबिक मीटर एयरटाइट स्टोन मेसनरी का वो 1200 रुपीज पर क्यूबिक मीटर है, सो हम 1200 रुपीज पर क्यूबिक मीटर ले लेते हैं। फ्रेंड ये रेट जो है एज पर प्लेस वेरी करता है, बिकॉज कहीं पे लेबर का कॉस्ट सस्ता होता है बट कहीं पे लेबर का कॉस्ट हाई होता है, तो उसके बेसिस पे लेबर कॉस्ट जो होता है वेरी करता है, बट एज पर गोवा में जो है ये कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ, सो मैं 1200 रुपीज पर क्यूबिक मीटर लेता हूँ। नाउ टोटल फिगर इसमें क्या होगा, ये हमारे पास वैल्यू आया था मटेरियल प्लस वेस्टेज का, मटेरियल प्लस वेस्टेज का जो आया था उसके साथ अब हम ऐड करेंगे किसको, लेबर चार्ज, लेबर चार्ज, तो ये हमारा कितना आ गया 2525 प्लस 1200 ये हमें 3725 आ गया, हाउ मच 3725 आ गया हमें मटेरियल मटेरियल प्लस वेस्टेज प्लस लेबर चार्ज। सो फ्रेंड अभी हमें मटेरियल वेस्टेज प्लस लेबर चार्ज का निकल चुका, अब हमें फाइंड करना है टूल्स एंड मशीनरी, टूल्स एंड मशीनरी ये हम 1% लेंगे, डायरेक्ट हम ये 1% लेंगे टूल्स एंड मशीनरी, तो 1% हम किसका लेंगे, 1% फ्रेंड हम मटेरियल का लेंगे, हमेशा मटेरियल कॉस्ट का 1% लेते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं आपको टोटल ऐड करेंगे देन उसके ऊपर परसेंटेज ले रहे हैं, सो क्या होता है उसमें क्या होता है परसेंट कॉस्ट इंक्रीज होता है और वो आपका एक हिडन प्रॉफिट की तरह काम करता है। जनरली कॉन्ट्रेक्टर के जो इंजीनियर होते हैं वो आपको कॉस्ट ना एवरीथिंग ऐड करके इवन लेबर ऐड करके उसके ऊपर आपको चार्ज करेंगे, सो क्या होता है आपको वो जो चार्ज ज्यादा अमाउंट आप परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा वो वैल्यू ज्यादा आएगा, देन वो ऐड करते हैं वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है और इसके कारण क्या होता है आपका रेट एनालिसिस का जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, वो उनका हिडन प्रॉफिट होता है अगर आपने पास कर दिया तो, सो उस चीज को हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, अगर आप कॉन्ट्रेक्टर के इंजीनियर है तो आप अवॉइड मत कीजिए, सो देट आपके ओनर को कॉस्ट ज्यादा मिल सकता है। सो टूल्स एंड मशीनरी जो हमारा हो गया 1% ये हम मटेरियल के ऊपर ले लेंगे, सो ये मटेरियल का कॉस्ट हमें कितना है 2405 1% हमें कितना है 24 रुपीज, सो 24 रुपीज आ गया। नाउ हम वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ले लेंगे, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये भी हम 1% लेंगे, ये भी हमारा 24 हो गया। सो फ्रेंड हमें मटेरियल कॉस्ट फाइन हो चुका है, हमें जो वेस्टेज फाइन हो चुका है, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर फाइन हो चुके हैं, टूल्स एंड मशीनरी का कॉस्ट हमें निकल चुका है और इसके अलावा हमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट निकल चुका है। नाउ फाइनली हमें कॉन्ट्रेक्टर प्रॉफिट निकालना है, सो ये हमारा टोटल 3 था, अभी हमें टोटल 4 निकालना है। टोटल 4 जो है जो हमारा इंक्लूडिंग एवरीथिंग मटेरियल वेस्टेज प्लस लेबर, मटेरियल वेस्टेज प्लस लेबर
प्लस टूल्स टूल्स एंड मशीनरी प्लस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये टोटल 4 में हमारा आ जाएगा। तो ये हमें ये जो तीन गिवन दिया हुआ है, हमें 3725 गिवन दिया हुआ, 3725 प्लस 24 प्लस 24। नाउ मैं इसे राउंड करता हूँ फ्रेंड, फिर आपको क्लियर मालूम चले। 3725 प्लस 24 प्लस 24 ये हमें कितना हुआ, 3773 ये हमें कॉस्ट आया। अभी हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट फाइंड करना है। सो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट सो फ्रेंड हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 20% लेंगे, कितना 20%। सो ये हमें 20% कितना आएगा, 3773 का 20% ये हमें 754 आ जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 1 क्यूबिक मीटर लेता है स्टोन मेसनरी में कितना होता है, 754 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। सो कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर कितना हो जाएगा फ्रेंड, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ऑफ इलेक्ट्राइट स्टोन मेसनरी, हम इसको जो टोटल हमारा सब आया है प्लस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो ये हमें कितना है, 3773 प्लस 754 ये आता है हमारा 3773 प्लस 754 ये हमें फ्रेंड 4527 कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर आया है, कितना 4527 कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर आया है। और यही हमें वर्कआउट करना था, कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर लेटाइट स्टोन मेसनरी ग्रेड ऑफ मॉडल 1:5 यही हमें फाइंड करना था और ये हमने फाइंड कर लिया 4527 1 क्यूबिक मीटर लेटाइट स्टोन मेसनरी का कॉस्ट होता है। फ्रेंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसे क्लियर करूंगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू।